अभी तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, तो हमने थोड़ा सा भुट्टा वगैरह खाया और अभी इस पीपल्स मॉल में जा रहे हैं। पीपल्स मॉल में थोड़ा बहुत इन्होंने एक मिनिएचर बनाया है बहुत सारी चीज़ों का, मतलब छोटे छोटे चीज़ें रिक्रिएट की गई है लाइक ताजमहल वगैरह, तो वो सब देखेंगे हम। लाल किला वगैरह भी है, अब होपफुली चालू हो, बिकॉज चालू तो दिखा रहा था गूगल्स में, पर होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो देखते क्या, पर विज़िट करते हैं इसे, बिकॉज टाइम काफ़ी है हमारे पास, रात की ट्रेन है और डिनर के लिए भी काफ़ी टाइम है अभी, तो बस सोचो थोड़ा घूम लेते हैं भोपाल भी, चलते यार देखते हैं क्या है इसमें। मेन एंट्रेंस शायद उधर है, हम इस साइड से आए थे तो ये। अरे अरे अम्मा 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 लाइटा लग रही है, ओए होए लाइटम लाइट हो गया कति। तो गाइस ये है मेन एंट्रेंस, फाइनली हम अलग डायरेक्शन में चले गए थे पर यहाँ से आना है। यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अरे भाई क्या हुआ, तू तो तू तो MIT में था भाई, खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ए जीवी किसी को रखा है, को घुमा रहा है भाई। गाइस यार जिप लाइन भी है 100 रुपए में, जो कि वो दिख रहा है वो एंड पॉइंट, वहां से यहाँ आता है 100 रुपए में भाई, सीरियसली आई मीन। ये है जूस की शॉप और यहाँ पे तरह तरह के जूस अवेलेबल है। ये अंग्रेजों के चोचले वाले जूस है, ये अपने इंडियन जूस है, मैंगो ऑरेंज पाइनएप्पल, तो हम लिए है एक ऑरेंज और एक मैंगो। भाई इनकी पैकेजिंग तो बढ़िया लगी भाई, पैकेजिंग मस्त है, प्राइस सही है, टेस्ट बताएगा भाई। अपने अपनी जो वैन नहीं होती है वो वैन वाला टेस्ट है इसका, बढ़िया है। तो यहाँ पर कुछ खाना तो खा सकते, जैसे कि बताया ऐसे हमने जूस खरीदा था 10-10 रुपये 20 रुपये, पॉपकॉर्न यहाँ पे 30 या 20 रुपीज़ का पॉपकॉर्न है, और यहाँ पे कुछ फिश पा भी है 100 रुपीज़ का, पेडिक्योर बोलते हैं ना उसे भाई। और यहाँ पे भी शेक वगैरह आप सस्ता है, चाइनीज़ बिल भी 50 रुपीज़ की है, आगे में जाओगे शेक्स वगैरह सब भाई, मतलब जैसा प्राइस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसा प्राइस है, बट मॉल में तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ यार। ये गाइस शीश महल यानी कि मिरर मेज भी है 100 रुपीज़ है, और सामने में हॉरर करके भी एक था हॉरर हाउस, और यहाँ 60 रुपीज़ है। ये जो मेन एरिया है जहाँ पे सब कुछ बना रखा है इन्होंने, अरे बिल्कुल देखो भाई, चलो भाई। अभी एक लौंडा मिला था मुझे बाहर और इसे मैंने आपको दिखाया, तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं बचे 60 रुपीज़ टिकट के, तो मैं अंदर आ नहीं सकता, तो तुम व्लॉग बना रहे हो, व्लॉग बना के डाल दे रहा, मैं देख लूंगा। अब उसको कौन मत है, मैं 2-2 साल में एक बार अपलोड करता हूँ। गजब टूबी वाला आदमी, ये व्लॉग आए तक अगले साल का दिसंबर चल रहा होगा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए बट फिर भी हो जाएगा। तो अगर तू ये व्लॉग देख रहा है भाई सॉरी, पर कोशिश करूंगा आने की जल्दी डालने की, पर तब तक तू ये ऑलरेडी देख चुका होगा। अच्छा बात नहीं है। ओ भाई अच्छा बड़ा है यार, सही बहुत बड़ी जगह है ये, ओए हाय ओए हाय इका हो बे, ओ हो नाइस, जम के खर्चे किए गए भाई। ये है ताजमहल की एंट्री, चलो गाइस विशाल भाई मस्त बना लिखा भाई, ये वाला तो दिखाया था मैंने, और यहाँ देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है। भाई तो बिल्कुल एक नंबर बना रखा है भाई, भाई भाई रिफ्लेक्शन भी कम मस्त दिख रहा है, नाइस भाई बहुत बढ़िया काम किया भाई। पीपल्स मॉल आके अगर भोपाल आ रहे हो, पीपल्स मॉल आना बनता है भाई, आई मीन 60 रुपीज में यार प्लीज विजिट करना, अच्छा वो हम कर रहे नहीं तो भाई बुरा लगता भाई। अभी ऊपर चढ़ते, ये पूरा मार्बल से बनाया भाई, और ना भाई भीड़ नहीं है, वीकडे रहने की वजह से ना भीड़ नहीं है। एंड गेस व्हाट गाइस, पूरा मार्बल यूज किया गया है, फ्रॉम द फ्लोर फ्रॉम द फुल मॉन्यूमेंट सब कुछ मार्बल है, मतलब भाई ऐसा नहीं कि सस्ती मस्ती बनानी थी करके बना दी, नहीं भाई खर्चे किए लौंडे ने भाई, कौन बनाया इसे, किसने बनाया ये मुजस्मा यार, ऐसा आना चाहिए था भाई, मतलब मैं हर जगह डाल रहा हूँ प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल, मतलब लेक्स वगैरह आ रही है, नेशनल पार्क आ रहा है, बट ये नहीं आया। मुझे किसी ने बस में बताया कि मैंने पूछा कि कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला पीपल्स मॉल जा सकते हैं, फिर गलत चीज़ है, मतलब ऐसी चीज़ उसने तो मेहनत से बनाया और अच्छा बनाया, पर अभी नेक्स्ट जगह हम जाते
वो आपको ताज होटल दिख रहा होगा, वो हाँ वो ताज होटल है, तो वहाँ चलते। तो ताज महल देखने के बाद हम सीधा फ्लाइट पकड़े, और फ्लाइट पकड़ के हम जा रहे हैं दिल्ली। पर दिल्ली जाने से पहले हम थोड़ा पता लगा लेते कि ये फ्लाइट कहाँ कहाँ जा रही है। रेट्रो पार्क सामने है, होटल ताज है, आईफिल टावर, रोमन गार्डन, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, गो कार्टिंग, बाहर जाने का रास्ता। अभी हम लैंड हो रहे हैं सीधा यार रेड फोर्ट देखने के लिए। वाह रेड फोर्ट देखते भाई। ये क्या भाई, इसका नाम वो निशान नहीं दिख रहा भाई। भाई देखो सॉरी यार, जो लोग व्लॉग देख रहे हैं गिने चुने, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। आई एम सो सॉरी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गाइज आई डोंट नो ये क्या है, कौन सा मॉन्यूमेंट है, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। लाइट तो बड़ी सेक्सी आ रही है, तो अब यहाँ से निकलते अगला मॉन्यूमेंट देखते। तो गाइज जैसा नाम था इसका वैसा काम है, यह है आईफिल ट्विन टावर। तुमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, इंडिया में भोपाल वालों ने सब कर रखा है भाई। कहीं जाना नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आ जाओ आईफिल टावर देखना है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आ जाओ दिखा दूंगा। भाई पैसे तो बहुत प्यार से खर्च किए है उसने, मतलब जहाँ करने चाहिए थे वही किया। आई मीन मैं बात कर रहा हूँ एरिया की भाई, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। मैं ऐसा कुछ ऐसा टेढ़ी वेढ़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा हरामी हो बेटा। गाइस ये रोम का बनाया है, और यहाँ से देखो आईफिल टावर दिखता है, बहुत एकदम डिटेलिंग के साथ में इन्होंने बनाया है कि कैसे चीज कहाँ रहेगी, एकदम बीच में दिख रहा है। तो गाइस ये रहा हमारा ताज होटल छोटा एडिशन, उसके सामने ही दुबई का 7-star होटल, जिसके बीच में छोटी सी गैप जिसपे बॉर्डर लगी हुई है। जी हाँ ये बीच वाली बॉर्डर देख रहे हो, इसके इधर जाओगे तो पासपोर्ट लगेगा, इसके इधर जाओगे तो नहीं लगेगा, तो ऐसा कुछ सीन है। लाइट लगाई नहीं इन्होंने। गाइज ये है वाटर पार्क, पीपल्स वाटर पार्क, यहाँ से शायद एग्जिट होगी, आगे भी एग्जिट है तो हम आगे से जाएंगे। गाइज यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क भी है, वहाँ पे वाटर पार्क था और यहाँ पे वाटर पार्क है, हमें अम्यूजमेंट पार्क है। बहन चोद गाने गा रहे भाई, पसंद नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल मत गाओ, मनुष्य लग रहे हो, रहने दो भाई। लिरिक्स ही अलग हो रहा हूँ, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। ये रही हमारी आंटी, मशाल वाली आंटी, चेहरा दिखाओ भाई, बेहुदा है भाई, ऐसा थोड़ी है। अरे चेहरा दिखाओ भाई आंटी का, अरे अरे मशाल वाली आंटी का चेहरा बनाना नहीं है, इसलिए उधर मुंह कर दिया, जाए कोई देख ही ना पाए चेहरा ठीक से। दोस्तों अभी बज रहे हैं 9:30 हो गए, वैसे थे 9:15 होने वाले, और हमने सब कुछ कवर कर लिया जो कर सकते थे। और चीजें भी थी यहाँ पे लाइक अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, जो हम अभी नहीं जा सकते बिकॉज 9 बजे बंद हो जाता है, और हमारी ट्रेन भी है और डिनर भी करना है। सो अगर आप भोपाल आ रहे कोई काम से आ रहे हैं, या घूमने आ रहे हैं, शादी में आ रहे, तो ट्रस्ट मी थोड़ा टाइम निकालो 2-3 घंटा और यहाँ विजिट करो, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस हमें बहुत मज़ा आया, जितना टाइम मिला हमें थोड़ा बहुत उसमें भी, एंड रिकमेंडेड प्लेस है। तो अब यहाँ से निकलते और कुछ डिनर करते और स्टेशन जाते, तो लेट्स गो। गाइस अभी बज रहे 1, ट्रेन 1 घंटा डिले, 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट डिले है, तो अभी वेट कर रहे हैं। अराउंड सुबह 9 बजे पहुंचने वाले थे, तो अभी 10 बजेंगे, वेट करते हैं ट्रेन का, देखते क्या सीन है। हालत तो देखो ख़राब हो गई भाई, पूरी पूरी वाट लग गई भाई, मेरे क्या बोलते बैक की लग गई, पैरों की लग गई, पूरे एल लग गए, वेटिंग ही कर रहे हैं भाई हम। सुबह के बज रहे 12, पहुंच चुके हम चंद्रपुर, टाइम लग गया 2.5 घंटा, ट्रेन डिले थी भाई, लफड़े हो गए, मतलब टाइम बहुत लगा, पर पहुंच गए। पापा अभी लेने आएंगे, इसका फ्रेंड आएगा, अभी जाएंगे घर चलते। ट्रिप बहुत अच्छी थी, भोपाल अच्छी जगह है। तो भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? सही सफर रहा है, अच्छा, आगे वाले जो आने वाले सफर। हाँ भाई नेक्स्ट टाइम से रात की ट्रेन नहीं करनी है एकदम, मतलब 2 घंटा लेट तो होना ही होना है। ट्रिप तो बढ़िया रही, बढ़िया ट्रिप थी, जाना ट्रिप। तो निकलते हैं अभी, अच्छा था सफर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर VIT, बाय बाय, थैंक यू। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ 2024-25-26 में आएगा शायद, जॉब लगेंगी या नहीं लगेंगी, तब तक तो आ जाना चाहिए भाई, तब तक तो आना जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। चलो फिर बाय बाय।